नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार गोविंदा सर की फिल्म फ्राइडे के पूरे 6 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ करेंगे तेलुगु की इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म अरविंद सेमेथा वीरा राघवा के 7 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और फिर हम बात करेंगे वरुण धवन अनुष्का शर्मा की फिल्म सुई धागा के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इन चारों फिल्मों ने अब बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है और दोस्तों ये फिल्म लगभग सभी थिएटर से उतर चुकी है। हालांकि इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया और जितने टाइम तक ये फिल्म थिएटर में रही, आजकल इतने टाइम बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म भी नहीं चल पाती। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपना जो थिएटर रन है वो लगभग 30 दिन से ऊपर का कर लिया। और आपको बता दें जो इस फिल्म का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन है अब तक का, यानी टोटल वो हो चुका है लगभग 130 करोड़ रुपए इंडिया में। और अगर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने ओवरसीज से कमाए थे 20 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हो चुका है लगभग 150 करोड़ रुपए। और आपको बता दें फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की फिल्म सुई धागा के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों सुई धागा ने ओपनिंग तो कोई खास नहीं ली थी, लेकिन दोस्तों फिल्म के रिव्यूज अच्छे हैं, उसके बाद में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कलेक्शन करने में कामयाब हो गई। जी हाँ दोस्तों, ठीक ठाक इसलिए क्योंकि इस फिल्म के साथ कई सारी फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, उसके बावजूद भी इस फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो इस फिल्म के कलेक्शन थे वो काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये फिल्म भी अब पूरी तरह से थिएटर से निकल चुकी है और जो इस फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो है इंडिया में लगभग 78 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इस फिल्म के ओवरसीज के कलेक्शन के बारे में, तो ओवरसीज में इस फिल्म ने कमाया लगभग 23 करोड़ रुपए। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हो चुका है वर्ल्ड वाइड, वो है 101 करोड़ रुपए। आपको बता दें फिल्म हिट कहलाएगी क्योंकि सुपर हिट होने के लिए इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लगभग 120 से 125 करोड़ रुपए का कारोबार करना। तो दोस्तों इसी फिल्म के साथ वरुण धवन के करियर में एक और हिट फिल्म जुड़ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि उनके आने वाली फिल्में भी ऐसे ही ब्लॉकबस्टर और हिट होती रहे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सुपरस्टार गोविंदा सर की फिल्म फ्राइडे के पूरे 6 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म में है गोविंदा सर और उनके साथ है वरुण शर्मा। दोस्तों फिल्म एक कॉमेडी जोनर की है, इसी की वजह से जो इस फिल्म के कलेक्शन है वो भी बढ़िया आए। जी हाँ दोस्तों, कई वेबसाइट ने चाहा कि इस फिल्म को फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो जो फेक वेबसाइट वाले वो कम से कम डाल रहे, ताकि लोगों को ये पता चले कि गोविंदा सर की फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन भी ठीक ठाक कमाई की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं इस फिल्म को मिली थी मात्र 800 थिएटर में रिलीज होने के बावजूद भी इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 2 करोड़ के आसपास कारोबार कर लिया था और इस फिल्म का वीकेंड गया था लगभग 6 करोड़ रुपए का। उसके बाद इस फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आता गया, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने अपने 6 दिन तक ठीक ठाक या यूं कहें काफ़ी अच्छी कमाई कर ली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं इस फिल्म ने अपने 5वें दिन तक लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर लिया था। और बात करें 6ठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 6ठे दिन इस फिल्म ने कमाए थे लगभग 80 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल ग्रोस कलेक्शन है इंडिया में वो हो चुका है 13 करोड़ 30 लाख रुपये। और दोस्तों आपको बता दूँ ये फिल्म फ्लॉप नहीं है, अभी ये फिल्म को एवरेज की कैटेगरी में गिन सकते हैं, क्योंकि अभी तो इस फिल्म को आने वाला 1 हफ्ता और मिलेगा, क्योंकि फिल्म के जो रिव्यूज़ थे वो भी बढ़िया आ रहे और इस फिल्म दर्शक देखने के लिए अभी भी जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म काफी शानदार बनी है। अगर अभी तक आपने नहीं इस फिल्म को देखा तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक अच्छी कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये फिल्म काफी अच्छी कॉमेडी मूवी है, इस फिल्म को एक बार आप जरूर देख के आइएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अरविंद सेमेथा वीरा राघवा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों अरविंद सेमेथा वीरा राघवा में जूनियर NTR और उनके साथ है पूजा हेगड़े। दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ली थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 60 करोड़ रुपये का ग्रोस कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड। और दोस्तों इसके बाद इस फिल्म ने 3 दिन तक भी काफ़ी अच्छी कमाई की, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इस फिल्म का हफ्ता खत्म होते जा रहा है वैसे कलेक्शन कम आते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये भी स्वाभाविक बात है, क्योंकि
जो भी फिल्में कलेक्शन करती है ज़्यादातर संडे तक करती है, उसके बाद सोमवार से हर फिल्म का कलेक्शन कम हो ही जाता है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का कलेक्शन कम तो हुए लेकिन उतने कम नहीं हुए जितना बाकी सब फिल्मों का था। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फिल्म ने अपने 6 दिन में लगभग 173 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था। और बात करें इस फिल्म के 7वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों 7वें दिन इस फिल्म ने कमाया है लगभग 14 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल ग्रोस कलेक्शन है वो हो चुका है 187 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दो, इस फिल्म के लिए अभी 2 दिन और शेष है, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में हम सभी जानते हैं कि दशहरा आने वाला, और दशहरे की छुट्टी पे ज़्यादातर फिल्में देखने जाते हैं लोग। तो दोस्तों उम्मीद की जा रही दशहरे के दिन भी ये फिल्म कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए का कारोबार आसानी से कर लेगी, और ये फिल्म इसी हफ्ते में यानी आने वाले 2 से 3 दिन में ही 200 करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करने में कामयाब हो जाएगी। अगर दोस्तों ये फिल्म 200 करोड़ कमा लेती है तो ये एनटीआर के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हो जाएगी, क्योंकि एनटीआर सर की किसी भी फिल्म ने आज तक 200 करोड़ का कारोबार नहीं किया। तो दोस्तों हम तो यही दुआ करते हैं कि ये फिल्म 200 या 250 करोड़ तक का कलेक्शन करे और एनटीआर सर के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो जाए। तो दोस्तों ये था इन 4 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इनमें से आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी, सुई धागा, अरविंद से मेहता, स्त्री या फिर फ्राइडे, हमें अपनी पसंद की फिल्म कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ दोस्तों बॉलीवुड और साउथ के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।